तुम दोस्तों, टैक्सी ड्राइवर का काम कैसा है? ये एक भाई हैं, ये जो टैक्सी अबू धाबी में चल रही है और ये जो है तवासुल जो टैक्सी के नाम से, तो आइए इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये कैसे आए, ये कहाँ से हैं और काम कैसा है। जी, आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम संतोष कविरत। क्या नाम है? संतोष कविरत। अच्छा संतोष भाई, तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप जी, आप किधर से हैं? नेपाल से। नेपाल से हैं जी। कितना अरसा हो गया टैक्सी में आप? दो साल हो गए आपको जी। तो आप नेपाल से जो ये टैक्सी के काम में कैसे आए आप? कंपनी गया था हायर करने के लिए। अच्छा, कोई एजेंसी का नाम बताएं, कोई नेपाल से आना चाहते हैं तो? नेपाल टैक्सी में क्या आएगा? अच्छा, अच्छा नहीं है टैक्सी। अच्छा, सोने का टाइम अच्छा नहीं है, लेकिन काम अच्छा है। काम अच्छा है? काम अच्छा है, लेकिन आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होता है। खाना का टाइम नहीं होता है। अच्छा, वही है, लेकिन हर तरफ से देखेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, सही है, वो बात है। तो आपको जो रहायश दिया हुआ है, जो अकोमोडेशन है, वो कंपनी ने दिया या आपका अपना है? कंपनी ने दिया। और जो खाना पीना अपना है? अपना है। और जो टारगेट इसमें कितना होता है आपका? टारगेट मिनिमम अभी तो 11,000 बना दिया है। अच्छा, 11,000 उसमें आपको कितना आएगा? 1600-1700 आएगा। ठीक है ना, 11,000 का काम करेंगे तो 1600 या 1700 आएगा आपका? 2500 कितना आएगा? 2500 आएगा। हाँ, अभी नया का मालूम नहीं है मुझे। अच्छा, हम लोग का 2500 आता है। 2500 आता है, कितने का काम करने पे? 11,000 का। 11,000 का काम करने पे? ओके ठीक है। और जो 11,000 का काम हो जाता है? 11,000 का काम हो जाता है मिनिमम, वही तो बोला ना, खाना। अच्छा, का पीना का सोने का। सही है, वो थोड़ा तकलीफ होता है। कितने घंटे काम करते हैं आप? हो जाता है 15-16 घंटा। 15-16 घंटा हो जाता है। ओके, और ये गाड़ी आपको जो कंपनी ने दिया हुआ ना जी, और इसका जो फ्यूल है वो कौन देते हैं आपको? वो खुद का अपना है फ्यूल, आप खुद से जो डालते हैं? खुद से। बहुत सारी जो टैक्सी की कंपनी है उसमें तो फ्यूल जो कंपनी देती है ना, वो बोलती है, लेकिन वो करता है हम लोग का। अच्छा, फ्यूल मतलब सब करता के 11,000 बुझाएगा देगा तो उसके बाद 2500 आएगा। अच्छा, यानी कि अगर 11,000 का काम करते हैं तो फ्यूल और सब कुछ निकालने के बाद आपको 2500 आता है जी। अगर ज्यादा काम करते हैं तो ज्यादा आता है, ज्यादा आएगा। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका इन्फॉर्मेशन देने का। तो ये संतोष भाई, ये अपना नेपाल से हैं, तो ये एक टैक्सी की इन्फॉर्मेशन दी जो आप दोस्तों तक पहुंचाई है। तो जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है टैक्सी की, मेरा कोशिश होती है कि आप लोगों को वही बताऊं और उससे हट के कोई बात ना करूं। तो अगर आप भी टैक्सी का काम जो करना चाहते हैं, टैक्सी का काम हार्ड ज़रूर है, इसमें खाना पीना, आपका सोना नींद ये वो थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर रहता है, लेकिन ये काम आपका आज़ाद टाइप है। अभी आप ये देखें ना भाई, यहाँ पर बैठे हुए हैं, काम नहीं है तो यहाँ बैठे हैं, एसी लगाकर बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का कोई इतना जो प्रेशर नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम।